बहराइच के कोतवाल नानपारा क्षेत्र अंतर्गत आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों ने युवक को जमीनी विवाद के चलते गोली मार दी। युवक को गंभीर अवस्था में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवक की मानो तो उसका कहना है दबंगों ने उसको गोली मारने का दिन मुकार कर दिया था और उस दिन ही गोली मारी जब उसे दबंगों द्वारा धमकी मिली तो वह पुलिस के बाद गया। कार्रवाई ना होने कारण मानव दबंगों ने अचानक युवक को गोली मारी जिससे गोली उसके पास गई। रमेश चंद्र ये 14 लेने गया था दुकान पे और वो पुरानी दुश्मनी ले रहा है। कहा था हमारे बाबा को मारे हैं तो तुम्हारे परिवार में हम किसी को भी मार देंगे। दुकान पे सौदा ले रहा था और राजेश है मूरत उनके दुकान पे सौदा लेने गया था। ठीक, इन्होंने आया 4-5 आसमानी फायर किया और फिर इनके गोली मार दी पैर में। तो क्या? हाँ बिल्कुल सर। क्या हुआ? वो बिल्कुल मारने ही आया था कि किसी को पा जाएंगे तो हम मार देंगे इनके खानदान में। हाँ जी। ये किस लिए कब से बदला रखे था ये सर? तो फिलहाल ऐसे दिन दहाड़े बंदूक लेन चला करते हैं। थाने में तहरीर नहीं दी थी आपने? सर मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं करता था, आसमानी दागता था। लेकिन आज 15 दिन पहले कह चुका था कि तुम्हारे हम परिवार में किसी को गोली मारेंगे। कहा है कि तुम्हारे बाबा जो हैं वो हमारे बाबा को मारे हैं तो ना हम अपने बाबा को जाने कहना तो अपने खाइए ना। सर आज 2 दिन हुआ 2 नंबर गाड़ी रात में बुलावागा 1 बजे घर जैसे रहा है। फिर पुलिस गए 1 घंटा पहले, फिर पुलिस को फ़ोन किया बुलावागा। थोड़ी देर बाद इन्होंने तुरंत ये दुकान गए और फायर कर दिया। कृष्ण कुमार बाप नाम रुद्रसेन है। और फिर तुरंत सब लोग दौड़ते गए, बस तुरंत उधर से ईटा डंडा सब चला दिए जब उसको उठाने लेके गए। अरे सर 4 जने थे, कृष्ण कुमार और अज्ञाराम और महेश और ये करता क्या है? सुनो ये सर जो ये सर केवल इसके पास कोई बीघा जमीन ना है, चक्की चलाता है, अपने चक्की चला के पेट पालन करता है। वो सर तो ट्रैक्टर चलाता है। नाम का एक पेशेंट हमने रिसीव किया है, CSC नानपारा से रेफर हुआ है। पेशेंट सीरियस है, हालत उसकी नाजुक बनी हुई है और ट्रॉमेटिक इंजरी है उसको। PMLC का केस है, पुलिस मेडिकल लीगल का। क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके पैर में, दाहिने पैर में चोट के निशान हैं, घाव काफ़ी गहरा है और उसको रेफर कर दिया गया है लखनऊ। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हालत गंभीर बनी। तो क्या लग रहा है कि किसी ऐसा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक पूरी जानकारी ना हो। लेकिन स्थिति ठीक है, जनरल कंडीशन ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।